हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब चैनल सुधांशु इंटरप्राइजेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट वैकेंसी 2023 के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताएंगे कि कब से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, सैलरी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखते रहिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हम मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर इट पटना एडवर्टाइजमेंट नंबर पी पटना हाई कोर्ट 01/2023। दोस्तों, ये जो पटना हाई कोर्ट की है 2023 की पहली बहाली है। दोस्तों, अब यहाँ ध्यान देंगे, नीचे दिया गया है ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट टू 550 वैकेंट पोस्ट। दोस्तों, जो ये बहाली निकाली गई है 550 पदों पर निकाली गई है। पद नाम है दोस्तों इसका असिस्टेंट सहायक के पद पर बहाली निकाली गई है। ग्रुप बी पोस्ट है इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना इन लेवल 7। दोस्तों, ये जो पेमेंट होगा वो 7 लेवल का होगा। देख सकते हैं कितनी शानदार यहाँ पे इसकी पेमेंट दी हुई है, 44,900 से लेके 142,000 रुपये तक की इसकी पेमेंट होने वाली है। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दे रहा है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ डिप्लोमा। इसमें ग्रेजुएशन की दोस्तों आपको क्लियर आना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, आप साइंस से किए हैं, कॉमर्स से किए, आर्ट से किए हैं, सब चलेगा इसमें। और दोस्तों, इसका इसमें देख सकते हैं कि आपको 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स का भी यहाँ पे मांग रहा है। दोस्तों, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल करेंगे कि क्या मेरा, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 6 मंथ का आपका कंप्यूटर कोर्स का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री कौशल योजना वाला इसमें सर्टिफिकेट लगेगा, कंप्यूटर वाला, तो जी नहीं दोस्तों, वो नहीं लगेगा, और 3 मंथ का ही होता है। इसमें कम से कम 6 मंथ का मांग रहा है, जैसे DCA आपका होगा वो इसमें एक्सेप्टेबल होगा। दोस्तों, और जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेल भी 1/1/2023 को आपका ये पूर्ण हो जाना चाहिए, यानी आप पास आउट होना चाहिए 1/1/2023 से पहले का। यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है दोस्तों, 18 से 37 वर्ष के बीच में आपके उम्र होना चाहिए 1/1/2023 को। नीचे दिया गया एज रिलैक्शन भी दिया गया है, जैसे कि SC ST हैंडीकेप वाले लोगों को भी दिया जाएगा। जो दोस्तों इसका ऑनलाइन का स्टार्ट होने का जो लिंक है एक्टिव होगा, आपको 6/2/2023 से लिंक एक्टिव हो जाएगा ऑनलाइन करने के लिए, और लास्ट डेट रहेगा 7/3/2023। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके यहाँ पे दे रहा है कि आप बहुत कुछ भी इस पर आप पढ़ सकते हैं, और इसका विस्तृत नोटिफिकेशन दोस्तों जैसे ही आएगा मैं आपको और भी विस्तृत बता दूंगा, और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होना, ऑनलाइन स्टार्ट होना चालू होगा, मैं आपको एक लाइव फॉर्म भी फिल करके बता दूंगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।